गेस व्हाट, ऋषिकेश में घूम रहे हैं गेरार्ड बटलर। देखिए आज यही मिशन है कि उनको ढूंढना है। वो हिंदी में मुहावरा है ना, रास्ता तकना, उसका लिटरल मतलब दिखाता हूँ। ये देखो, ये है रास्ता और जो हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं तकना। यही है रास्ता तकना। क्या सुंदर सा मार्केट है यार, इतना रंगीन वाइब्रेंट। बस मार्केट में ऐसे गलियों में वॉक करके मज़ा आ रहा है। गलियां घूमते घूमते यहाँ कुछ ऐसी सी जगह पे आके रुके हैं, हर की पैड़ी। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज हरिद्वार ट्रिप डे नंबर 2। सुबह सुबह जागना पड़ा क्योंकि मंदिर जाना है। और ये कि पहले मंदिर जाएंगे फिर जाएंगे ऋषिकेश दर्शन के लिए। एंड गेस व्हाट, ऋषिकेश में घूम रहे हैं गेरार्ड बटलर। क्योंकि आज यही मिशन है कि उनको ढूंढना है। ब्रेकफास्ट भी कर लिया, अब केबल कार वाली ट्रॉली में बैठ के मनसा देवी जाने की तैयारी है। सफारी जो है ना यहाँ पे नियर राजा जी, तो ठंड की वजह से अभी तो मतलब टाइगर्स वगैरह निकलते नहीं है। ओके, तो मार्च अप्रैल में बेस्ट होता है मतलब वहाँ पे। मुझे तो कभी भी नहीं दिखे यार। माँ मनसा देवी उड़न खटोला में आपका हार्दिक स्वागत है। उड़न खटोला नाइस। आगे 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 पता नहीं कहाँ चले गए, टीम वाले कहीं पे गायब हैं। हाँ ये रहे, ये रहे, ये रहे, दिख गए। ओ भाई साहब काफ़ी मज़ेदार लग रहा है ये यार, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। देखो ये रहे उड़न खटोले। चार जा सकते हैं सर, चार जा सकते हैं, चार। ये मज़ा आएगा। डर लग रहा है यार। ये देखो ऐसा खुली गाड़ियों में बिठा दिया है आसमान के बीच। दूसरी तरफ का नजारा दिखाता हूँ। ओवरऑल स्टेशन पे आ गए हैं, अब यहाँ से जा रहे हैं मंदिर मनसा देवी। जय माता दी। तो 20 मिनट भी नहीं लगे यार, 20 मिनट में आप नीचे से ऊपर तक जा करके आराम से दर्शन करके आ सकते हो। वैसे भैया बता रहे थे कि ये ऑफ सीज़न है, गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। क्या करना है करो। अब नाइस ना, चलो एक नई चीज़ ट्राई की हमने, रामफल। अच्छा है अमरूद का लाल भाई, बेसिकली मरून भाई। कलर डिसाइड कर लो यार, मुझे नहीं मालूम क्या कलर है। आ गए ऋषिकेश,
लगभग 50 मिनट की ड्राइव के बाद ऋषिकेश आ गए हैं। इधर आके बैठे हैं, जिसको पढ़ना है पढ़ लो, नाम कैसे बोलते हैं मुझे नहीं मालूम पर यार यहाँ से व्यू बहुत ही औसम है, बहुत ही औसम। ये भैया लेके आए हैं अपने को इधर, थैंक यू सो मच भैया। और अभी कुछ आ जाओ अभी तो अपना सेटअप जाता है ऐसे दरिया के अंदर, बच गए भाई साहब ऐसे गंगा मैया में प्रवाहित हो जाता अभी तो। हवन करेंगे वाला गाना चेंज हो गया है अब से, वो है बोटिंग करेंगे बोटिंग करेंगे बोटिंग करेंगे बोटिंग करने जा रहे हैं इसलिए बोटिंग करेंगे। स्टेपिंग इन टू द बोट, ओके। अरे ज़्यादा शेकी नहीं है, जितना शेकी मुझे लग रहा था कि होगा उतना शेकी है नहीं। बोट राइड शुरू हो गई है, कैमरे के गिरने का ही ज़्यादा डर लग रहा है मुझे तो। कितना इम्पोर्टेंट मैसेज है देख रहे हो, कृपया वोट में गंदगी ना करें, देश का भविष्य है यहाँ पे। हड़की पैरी पे गंगा आरती देखने आए हैं, जनरल पब्लिक जैसी बैठी है, हम थोड़ा स्पेशल बैठे हैं क्योंकि हमको सिक्योरिटी के थ्रू ऐसे आने दिया गया है और अलग से हम सीढ़ियों पे आकर के बैठे हैं। इधर सिर्फ हम चार लोग हैं, यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर माई थर्ड व्लॉग, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो किसी भी रीज़न की वजह से अच्छा लगा या वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे पता है आप में से कुछ लोग वीडियोज़ देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। अगर अभी तक की वीडियोज़ अच्छी लगी तो आगे भी अच्छी वीडियोज़ ही बनाता रहूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी तक मैंने अपनी दो ट्रिप्स आपके साथ शेयर की हैं, एक माता वैष्णो देवी की जम्मू ट्रिप और दूसरी हरिद्वार ट्रिप। तो इन ट्रिप्स पे मैंने कुछ फोटोज़ और वीडियोस भी क्लिक की हैं जो मैंने व्लॉग में इंक्लूड नहीं किया है, वो फोटोज़ और वीडियोस मैं बहुत जल्द अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करने वाला हूँ, तो डू फॉलो मी देयर एज वेल। एंड यस, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।